हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बनाएंगे गुलाब जामुन रेसिपी। हलवाई जैसे परफेक्ट गुलाब जामुन आज हम बनाएंगे मावा और मैदा से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए जितनी हम चीनी लेंगे उतना ही हम पानी डालेंगे। अब इसको हम चलाएंगे और इसको उबलने देंगे। जब तक हमारी चाशनी तैयार हो रही है तब तक हम मावा और मैदा को मिक्स कर लेंगे। ये मावा मैंने घर पर ही बनाया है, ताजा मावा बना हुआ है ये। मैंने 200 ग्राम के करीब मावा लिया है। अब इसमें हम 4-5 चम्मच मैदा डालेंगे। मिक्स करेंगे इसको अच्छे से। इसी में हम 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से। इसका डो बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह का डो बनाकर तैयार कर लेंगे। चाशनी भी हमारी तैयार हो चुकी है। 5-6 मिनट इसको उबालना है हमें बस। अब हम थोड़ा थोड़ा आटा लेंगे। और इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। इस तरह से बनाएंगे और हल्का सा इसे पेस्ट करेंगे हम। और इसमें किशमिश रख देंगे। आप इसमें अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स भी रख सकते हैं। अब इसको इसकी बॉल्स बना देंगे। इस तरह से सभी को हम इसी तरह से बनाकर तैयार करेंगे। सभी गुलाब जामुन बनाकर मैंने तैयार कर लिए हैं। कढ़ाई को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। कढ़ाई को हमें इतना ही गर्म रखना है, हाई फ्लेम हमें नहीं रखना है और बिल्कुल लो फ्लेम भी नहीं रखना है। ये देखिए हमारे गुलाब जामुन अच्छे से सिक चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और चाशनी में डालेंगे। सभी गुलाब जामुन को हम इसी तरह से बना लेंगे। सभी गुलाब जामुन को हमने चाशनी में डाल दिया है। अब हम इन्हें 2 से 3 घंटे तक ऐसे ही ढक के रख देंगे। तैयार है हमारे गुलाब जामुन बनकर। ये देखिए मैं एक आपको काट कर दिखाऊंगी कितने अच्छे बने हैं, कितने बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं हमारे गुलाब जामुन। एकदम हलवाई जैसे बने हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।